रिक्शा वालों के लिए सड़कों पर राज ठाकरे की मन से बेमतलब चालान के खिलाफ आरटीओ को दिया नोटिस। कहा रिक्शा वालों को परेशानी हुई तो मन से स्टाइल में देंगे जवाब। उद्धव ठाकरे विदेश में, शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। 45 मिनट तक हुई बातचीत, राजनीतिक हलचल तेज। पवार और शिंदे की मुलाकात के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से सिल्वर ओक मिलने पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी। महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने की संभावना। पुणे में नाबालिग को 4 साल तक किया टॉर्चर, सिगरेट से दागा। सामने आया लव जिहाद का एक और मामला, बच्ची को किया गया रेस्क्यू। बोरीवली में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला, 13 साल की नाबालिग संग बाप ने किया दुष्कर्म, एमएचबी पुलिस ने किया गिरफ्तार। समतानगर पुलिस ने महज 3 घंटे में चेन स्नेचर को किया गिरफ्तार, 50 ग्राम वजन की चेन छीन कर हुआ था फरार। मलाड में खुद को किडनैप बताकर 5 लाख की डिमांड करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिता से पैसे लेने के लिए रची थी साजिश। भिवंडी में अचानक ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा, 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार रिक्शा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। विक्रोली रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला बुजुर्ग का पैर, प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच फंसा, सुरक्षा कर्मी ने बचाई जान। 2 जून को घोषित होगा 10वीं का रिजल्ट, कल दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र के रिजॉर्ट में अर्धनग्न अवस्था में डांस उड़ाए जा रहे थे नोट, छापेमारी में 6 लड़कियां सहित 18 गिरफ्तार। अंधेरी की एक रिहायशी सोसाइटी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एमआईडीसी पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, नाबालिग लड़की की रिहाई। हाथ में भगवत गीता और चेहरे पर चमक, आईपीएल जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। मुंबई से चलने वाली 4थी वंदे भारत का होगा उद्घाटन, गोवा के लिए रेलवे चलाने जा रहा है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। मुंबई एयरपोर्ट पर बम शब्द सुनते ही मचा हड़कंप, महिला ने कहा मेरे बैग में है बम, पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को किया गिरफ्तार। मुंबई में हुई धोनी की सर्जरी, पंत का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने किया माही का इलाज। सीएसएमटी स्टेशन से लोकल ट्रेन में 2 लाख का मोबाइल चुराकर भागा चोर, पुलिस ने सीसीटीवी में चप्पल और मास्क से लगाया पता, किया गिरफ्तार। मुंबई के धरावी में खौफनाक वारदात, 20 वर्षीय युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। महिला ने कहा ले जा रही हूं बम, मुंबई एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। बिजली संकट के करीब पहुंची मुंबई, गर्मी के साथ बढ़ी डिमांड और बिजली कटौती से भी हाहाकार। पहलवानों के समर्थन में आई बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे ने कहा उम्मीद है जल्द होगी कार्रवाई। अनुराग ठाकुर की पहलवानों से अपील, कहा जांच पर रखे भरोसा, देश में सबके लिए समान है कानून। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन लुढ़का, सेंसेक्स 193 अंक लुढ़क गया, वही निफ्टी 18,500 के नीचे। मुंबई में सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी, सोना 60,930 रुपए तोला, वही चांदी में 76,800 रुपए किलो। पालघर में विवाद को लेकर महिला की पीट पीट कर हत्या, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज।